वेलकम बैक टू बिंदास लाइफस्टाइल। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि अगर स्वच्छ एनवायरनमेंट है तो हम इस प्लानेट पर जीवित हैं। चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। एनवायरनमेंट डे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून 1972 में मनाया गया। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा एनुअल आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट की रक्षा हेतु लोगों को जागरूक करना तथा हर दिन बढ़ते हुए एनवायरनमेंटल मुद्दों को देखना है। इस साल का एनवायरनमेंट डे पिछले कई सालों से बिल्कुल अलग है। इस साल हमारी चिंताएं एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी कम है। लॉकडाउन के वजह से वातावरण काफ़ी हद तक शुद्ध हो गया है। देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली NCR माना जाता है। यहाँ के आनंद विहार स्टेशन PM पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं 2.5 का स्तर 300 से ऊपर था। लॉकडाउन के बाद यह स्तर 101 पर पहुंच चुका है। यही हाल देश के अन्य हिस्सों में देखी जा रही है। लॉकडाउन में सभी कल कारखाने बंद हैं, गाड़ियों का रोड पर चलना भी बंद है। इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर बड़ा पॉजिटिव देखने को मिला है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन ये करीब 50% तक कम हो चुके हैं। आइए हम सब मिलकर अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाएं, अपने प्लैनेट को सेफ करें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को कम करें और पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो सके। तो चलिए मिलती हूँ फिर आगे एक नई वीडियो के साथ। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बेल बटन के साथ, और लाइक भी करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।